फिरोजाबाद में रविवार शाम को थाना उत्तर के मोहल्ला दयाल नगर निवासी लोगों ने मोहल्ले में ही श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना की थी। महोत्सव के अंतिम दिन पूजा पाठ के बाद मोहल्ले के सभी लोग भजन कीर्तनों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जन को ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गांव जाजूमई के लिए रवाना हो गए। ओल्ला मार्ग पर गांव गोंज का बाग से पूर्व एक पुलिया पर अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर गिरकर खाई में जा गिरी। हादसे में सभी लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। चीख पुकार मचने पर हादसे को देख आसपास के ग्रामीणों ने मदद के लिए दौड़ लगा दी। ग्रामीणों ने काफी प्रयासों से महिलाओं और बच्चों को ट्रॉली से बाहर निकाल लिया। लहूलुहान लोगों को देखकर ग्रामीणों ने अन्य वाहनों से सभी को ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां घायलों का उपचार किया जाए। फिरोजाबाद से अमित पासा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मोहल्ला कुशवा नगर और दयाल नगर के कुछ लोग गणेश विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, तो उसमें कोटला फरिया मार्ग पर और गोंच के बाद तक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल सामने आने के कारण पलट गया है और 7-8 फुट उसमें 15-20 लोग घायल हुए, जिसमें 8-10 की स्थिति काफ़ी गंभीर है। और इस हादसे को कम से कम 1 घंटा होने को आ गया, लेकिन एमरजेंसी में है, यहाँ तक अभी तक कोई डॉक्टर वगैरह कोई कुछ नहीं आया है और CMO सर वगैरह सब लोगों को फोन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन और जिला अस्पताल प्रशासन के कोई भी सीनियर डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आए। काफ़ी लोगों की काफ़ी गंभीर स्थिति है और CMO सर को मेरे द्वारा काफ़ी 2-3 बार फोन लगाए, किसी बार उनका फोन उठाए और उन्होंने कहा इस बात को भी 1/2 घंटा हो गया, अभी तक कोई डॉक्टर सीनियर नहीं आया। गुप्ता जी, क्या मानना है, मतलब इतनी बड़ी घटना होने का भी फिर भी पुलिस प्रशासन जिला अस्पताल नहीं आया, क्या लापरवाही माना जाता है? अगर 10-15 मिनट में नहीं आए तो इस पूरे घटनाक्रम को मैं भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री सब लोगों को मैं ट्वीट करूंगा। बहुत काफ़ी घोर लापरवाही एमरजेंसी सरकारी अस्पताल में बरती जाती है, किसी की भी जान जा सकती है। अगर इतने बड़े हादसे के होने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है तो बहुत ही घोर लापरवाही के कारण होगा। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से अनुरोध करना है, अभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से गोंच के बाग के पास बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 17 लोग घायल हमारे जिला चिकित्सालय में पहुँच चुके हैं और 4 उसमें से गंभीर स्थिति में थे। उन 4 को उन्होंने आगरा के लिए रेफर किया है, बाकी सबका हमारी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर और फार्मासिस्ट पूरा नर्सेज वगैरह सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और सभी लोग मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, तो सभी मरीजों को राहत दी जा रही है। जो मरीज थोड़ी थोड़ी चोटें सबको हैं, किसी को फ्रैक्चर्स भी हैं, मैं सबके एक्सरे वगैरह की और इलाज की पूरी पूरी व्यवस्था यहाँ पर स्वयं करवा रहा हूँ। तो 4 लोगों को हमें आगरा भेजा, बाकी सबको हमें जो लोग भर्ती कर जो लोग भर्ती है सभी हालत खतरे से बाहर अपना। देखिए, जो लोग खतरे में थे उनको हमने आगरा भेजा है, बाकी सबको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है। फिलहाल जो है वो ठीक है, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन एक्सीडेंट के मरीजों का हमेशा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन लेट आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल फर्स्ट में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। थैंक यू।